अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मारिया नौखेस खान एंड यू आर वॉचिंग स्पोर्ट्स सिबलिंग्स पावर्ड बाय द न्यूज़ व्यूज। भाई, हम सबको पता है कि पाकिस्तान इस टाइम सुपर फोर, एशिया कप के सुपर फोर में जा चुका है और पाकिस्तान इस टाइम बहुत खुश है क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल था पाकिस्तान के लिए क्योंकि हमें जो पहली शिकस्त इंडिया से हुई उसके बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम सुपर फोर में क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास आज फिर से सुबैल नौखेज, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुबैल नौखेज। मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको और तमाम पाकिस्तान को मुबारक हो, पाकिस्तान सुपर फोर में चला गया है और अब सनसनीखेज मुकाबले शुरू होने वाले एशिया कप के। खैर मुबारक। आप मुझे ये बताएं कि कल जो हमने हांगकांग की बॉलिंग अटैक देखा है उससे आपको लग रहा था कि पाकिस्तान जीत पाएगा हांगकांग से? देखिए, जो हांगकांग की इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस थी उससे थोड़ा सा घबराहट जरूर हुई थी पाकिस्तान को, जिस तरह की उनकी इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थी और पाकिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन थी। उस लिहाज से पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और ज़बरदस्त तरीके से वन साइडेड मैच था। एक ऐसा मैच ही पाकिस्तान को चाहिए था सुपर फोर में जाने के लिए जहाँ पर वो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ सके, और उन्होंने उस मैच का भरपूर फ़ायदा उठाया और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद हांगकांग को ढेर किया और अब सुपर फोर में पहुँच गए। एशिया कप का अब जो मुकाबले होने वाले हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त होने लगे क्योंकि चारों टीमें बड़ी ज़बरदस्त है। श्रीलंका ने टूर्नामेंट का स्टार्ट बड़ा वीक लिया था, अफगानिस्तान के खिलाफ उनको बहुत बुरी शिकस्त हुई थी, लेकिन जिस तरह का कमबैक उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट किया 180 चेस करके, उन्होंने भी एक खतरे की घंटी जरूर बजा दी है एशिया कप में कि उन्होंने भी एक प्रूफ कर दिया है कि वो भी एक ज़बरदस्त टीम है और वो टाइटल कंटेंडर है इस एशिया कप के लिए। तो अभी जो चार टीमें अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया सुपर फोर में पहुंची है, अब बड़े ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिल रहे हैं और मुझे सरप्राइज पैकेज जो लग रहा है वो इस टाइम पे अफगानिस्तान का लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान कोई ना कोई अपसेट करके फाइनल में पहुँच सकती है। तो जो हमारे पास अभी सुपर फोर की चार टीम्स है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान, आपको क्या लग रहा है कौन सा मैच इस टाइम बहुत टफ होगा और बहुत एक्साइटेड भी होगा? ऑब्वियसली संडे वाला मैच पाकिस्तान इंडिया, लास्ट टाइम भी दोनों टीमें आपने आमने सामने बड़ा लो स्कोरिंग सा मैच था मगर दोनों टीमों ने बहुत अच्छी फाइट की, इन द एंड इंडिया सक्सेसफुल रही, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इंडिया की। बट मैच जो था वो एक टाइम पे ज़रूर लग रहा था कि बड़ा वन साइडेड हो जाएगा जब तक शाहनवाज धानी पिच पे नहीं आए थे, लेकिन जो पाकिस्तान का मोमेंटम शाहनवाज धानी ने बनाया आखिरी कुछ ओवर्स में कुछ तेज स्कोर करके जो पाकिस्तान को एक फाइटिंग टोटल दिया, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से सुपर फोर में पाकिस्तान इंडिया का ही दोबारा से मेन मैच है और यही मैच जो है वो डिसाइड करेगा कि दोनों में से कौन सी टीम फाइनल में जाती है। लेकिन इसके अलावा भी कई राइवलरीज है जो हमें देखने को मिलेगी जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी मैच है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और वो बड़ा टफ मैच होगा। अभी बिल्कुल आपने शाहनवाज धानी की बात की है तो आपको पता लगा होगा कि वो इंजर्ड हो चुके हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये हमारे लिए सैड न्यूज़? पाकिस्तान की फिटनेस इस एशिया कप में बड़ी क्वेश्चनेबल रही है, चाहे वो एशिया कप का आगाज हो या अभी की खबर हो, क्योंकि शुरू में हमने देखा हमारे दो फास्ट बॉलर्स जो थे वो इंजरी के बायस बाहर हुए जिसमें एक स्टार बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी थे, मगर जब आपको ऐसा लगा कि आपकी फास्ट बॉलिंग दोबारा से ट्रैक पर आई है तो एक और बहुत बुरी खबर पाकिस्तान के लिए आई है। शाहनवाज धानी बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, दोनों मैचेस में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त और शानदार परफॉर्मेंस दी जो कि नसीम शाह की तरह वो बिल्कुल सामने खुलकर नहीं आ सके, लेकिन उनकी बैक एंड पे बड़ी अच्छी एक असिस्टिंग परफॉर्मेंस थी, बड़ा अच्छा असिस्ट किया उन्होंने बाकी फास्ट बॉलर को और मुझे ऐसा फील हो रहा था और मैंने लास्ट एपिसोड में बात की भी थी कि हारिस रऊफ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे फास्ट बॉलर्स की शाहीन शाह अफरीदी की जो चाहे वो टीम में नहीं है, तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि हारिस रऊफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लेकिन इससे बरक्स चीज़ें नज़र आई और शाहनवाज धानी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई और उन्होंने बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसके साथ साथ नसीम शाह की परफॉर्मेंस तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम बॉलर्स की बात कर ही रहे हैं तो मुझे आप ये बताएं कि हम जब हमने आखिरी जो एपिसोड जो हमने लास्ट शूट किया था उसमें हम अपनी बॉलिंग के ऊपर बात कर रहे थे कि हमारा बॉलिंग अटैक इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उस मैच के बाद देखने के बाद आपको ये नहीं लगता कि हमारी बैटिंग हमारा बैटिंग अटैक भी इतना अच्छा नहीं है, हमारा मिडिल
जो बैटिंग का जितना भी था वो इतना कोई स्ट्रांग नहीं था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, 5 बाउंसर हमें पड़े हैं और 5 के 5 विकेट्स हमारे पिछले लास्ट मैच में इंडिया के साथ हुई है। तो आपको नहीं लगता कि बाउंसर इज़ द पार्ट ऑफ दिस गेम और अब हमें इट्स हाई टाइम कि हमें सीख लेना चाहिए कि बाउंसर पे कैसे खेलना है? 5 बाउंसर 5 विकेट्स बिल्कुल वीकनेस थी उस मैच में और इंडिया बड़े अच्छे गेम प्लान के साथ आया था। और लास्ट एपिसोड में मैंने बात की थी कि पाकिस्तान जो है वो अपनी बैटिंग पे ज़्यादा रिलाई कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग बैटिंग की गेम होगी, जो उनसे टीम बैटिंग अच्छे कर गई वही जीत जाएगी, लेकिन उससे चीज़ें जो थी बिल्कुल ऑपोजिट नज़र आई। हमने देखा कि दोनों साइड की जानब से बॉलिंग भरपूर किस्म की गई और इसमें किसी हद तक पिच और ग्राउंड और उस एनवायरनमेंट जो सारी मैच किया इस टाइम पे जो एनवायरनमेंट बनी हुई है उस पर भी सब कुछ डिपेंड करता है। तो लग ऐसे ही रहा था कि बैटिंग पिचेस होंगी, बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन इससे बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ नज़र आई हमें। वहाँ पर बॉलिंग कंडीशंस नज़र आई और बॉलिंग दोनों टीमों की जानब से भरपूर की गई। बैटिंग में थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि बैट्समैन हमने फाइटिंग टोटल तो इंडिया को दे दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बैटिंग के बजाय हमारी टीम मैनेजमेंट में थोड़ी सी जो है हमें चीज़ें सही करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इफ्तिखार की जो सिलेक्शन थी वो मुझे लगता नहीं है कि वो सही सिलेक्शन थी, क्योंकि हम खुशदिल, आसिफ अली, इफ्तिखार, हम 3 हार्ड हिटर्स खिला रहे थे। और टीम में इफ्तिखार को शामिल मेरे ख्याल से इसलिए किया गया था कि उनको एज अ 6th बॉलर भी यूज़ किया जा सके, लेकिन हमने देखा कि बाबर आजम इंडिया वाले मैच में आखिर में फंस गए हुए थे और उनका नवाज का ओवर एक जो था वो मैच डिसाइडिंग साबित हुआ, क्योंकि हमारे पास 6th बॉलर ही कोई नहीं था और हम ना इफ्तिखार को यूज़ कर सके, ना बैटिंग में उस तरह यूज़ कर सके, ना बैटिंग बॉलिंग में उस तरह यूज़ कर सके। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऑल ओवर अच्छी थी। बैटिंग में भी हम इन द एंड कुछ अच्छा स्कोर देने में कामयाब हो गए थे। बॉलिंग हमारी आउट क्लास थी, ज़बरदस्त बॉलिंग थी, सब बॉलर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, लेकिन मेरे ख्याल से हमसे टीम मैनेजमेंट में थोड़ी गलती हुई और देखा गया कि टीम मैनेजमेंट उसी टीम के साथ हांगकांग के अगेंस्ट भी आई और मुझे अभी ऐसा फील होता है कि इंडिया के खिलाफ भी सेम लाइन से खेलेंगे। हम बॉलर्स की बात कर ही रहे तो हम नसीम शाह को कैसे भूल सकते हैं? आपने पिछले एपिसोड में नसीम शाह के बारे में जो कहा था पहले हम उसको देखते हैं। बट मारिया, मैं आपको बताना चाहूँ, अगर मेरे नज़र में जो पाकिस्तान को इस टाइम मुझे एक सरप्राइज हीरो जो लग रहा है वो एशिया कप में मिल सकता है वो नसीम शाह है। अगर आपने रिसेंटली नसीम शाह की परफॉर्मेंस देखी हो अगेंस्ट नैदरलैंड, तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, बड़ी पेस पे बॉलिंग कर रहे थे और उस पेस के साथ वो लेफ्ट राइट दोनों जगह बॉल मूव भी कर रहे थे। तो शाहीन शाह अफरीदी तो हमारे पास नहीं है, इस चीज़ का तो दुख हमें हमेशा रहेगा। उनके शुरू के जो 2 ओवर है ख़ास तौर पर वो तो हर कोई मिस करेगा, लेकिन एक टैलेंट टू वॉच जो है मेरे ख्याल से वो नसीम शाह है और उनकी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। तो आप मुझे ये बताएं कि नसीम शाह की जो पहली बॉल थी, उन्होंने पहली बॉल पे ही पहला ओवर पहली बॉल पे ही उन्होंने आउट कर दिया था, तो आप मुझे बताएं कि कितना अच्छा एक बॉलर नसीम शाह एक बॉलर हैं, कितने अच्छे एक बॉलर है और उनकी आगे जो एशिया कप होगा, जो भी आगे मैचेस होने हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? देखिए, मैंने मारिया जैसा आपने अभी ये सुनवाया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नसीम शाह एक सरप्राइज पैकेज होगा पाकिस्तान और तमाम ओपोनेंट्स के लिए, क्योंकि नसीम शाह ने जिस तरह की नेदरलैंड में परफॉर्मेंस दी उससे साबित हो रहा था कि वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देने वाले हैं। थोड़े से लकी भी रहे कि दुबई की कंडीशन और पिचेस जो थी वो फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा असिस्ट कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही नसीम शाह की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको बिल्कुल अभी अपने प्राइम फॉर्म में, इसमें कोई शक नहीं है, और ऐसे मौके पे यूजुअली हम जो है वो नेगेटिव चीज़ों की बात नहीं करते, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि जब आप जीत रहे होते हैं तो वो सबसे बेहतरीन टाइम होता है अपनी वीकनेसेस पे काम करने का। मुझे ऐसा लगता है कि उनको अभी अपनी स्विंग पे कंट्रोल उस तरह नहीं है। हमने देखा वाइड बॉल्स काफ़ी ज़्यादा उन्होंने करवाई। अगर नसीम शाह अपनी स्विंग कंट्रोल करने में, अपनी लाइन हैंड कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत लीथल बॉलर हो जाएंगे और उनको खेलना मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनकी पेस बहुत तेज़ है और 147-146 पे बॉल करवा रहे हैं। तो अगर इनका थोड़ा सा अपनी स्विंग पे कंट्रोल आ जाए तो मैं अभी भी बहुत लीथल बॉलर है, अभी भी उनके तमाम बैट्समैन उनको खेल, कोहली जैसे बैट्समैन ने पहले बॉल पर उनको कैच दे दिया था स्लिप पे और तो वो मिस हो गया, लेकिन थोड़ा सा अगर वो अपने स्विंग पे कंट्रोल कर ले तो मेरे ख्याल से नसीम शाह को खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नसीम शाह की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि हमारे पहले दो ऑलरेडी बॉलर्स अनफिट थे, वो चले गए? हमारी फिटनेस का बहुत मसला है, और दो क्या कहते हैं नसीम शाह और हारिस पिच पे इतने ज़्यादा अनफिट हो गए थे, और रिजवान को भी थोड़े से क्रैम्प्स पड़े थे मेरे ख्याल से बिल्कुल स्टार्ट में ही। तो आपको कितना लगता है कि कितना ज़रूरी है इनके लिए अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे, अपनी बॉडी पे, अपनी फिटनेस पे काम करना इस टाइम? देखिए, फिटनेस पे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क इस टूर्नामेंट में लगी है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्रेडिट दे दूंगा प्लेयर्स को, क्योंकि कंडीशंस बहुत टफ है इस टाइम। दुबई यूएई की जो कंडीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, गर्मी की वजह से क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट प्लेयर्स को देना चाहिए। फिटनेस लेवल ऑब्वियसली सब टेस्ट पास कर कर आए होते हैं, फिटनेस लेवल पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन ये है कि दुबई और शारजा की इस टाइम पे कंडीशंस ऐसी है कि वहाँ पर शायद काफ़ी ज़्यादा बॉलर्स जो है वो सफ़र करें, और ख़ास तौर पे जब आप इतनी जान लगा के इतनी पेस से काम बॉलिंग करवा रहे होते हैं तो ये छोटे मोटे क्रैम्प्स हो जाते हैं। बट फिलहाल पाकिस्तान को बड़ा मतलब महंगा पड़ रहा है ये, क्योंकि हमारे ऑलरेडी तीन पेसर्स इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए, ऑल्डो हमारे पास बैकअप में मोहम्मद हसनैन और हसन अली पड़े हैं, लेकिन स्टिल अगर इसी तरह हर एक दो मैचेस के बाद हमारे फास्ट बॉलर जाते रहे तो पाकिस्तान के लिए एशिया कप सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहां तक आपने बात की मोहम्मद रिजवान की, वो इन सबसे ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए इशू है, क्योंकि हमारे पास बैकअप विकेट कीपर इस टाइम स्क्वाड में कोई भी नहीं है। जिस तरह मैंने पहले बात की कि मैनेजमेंट की जानब से टीम सिलेक्शन में थोड़ी सी कोताहियाँ हुई है, इसी तरह स्क्वाड सिलेक्शन में भी थोड़ी सी कोताहियाँ देखने में हुई कि हम अपना कोई बैकअप कीपर साथ लेके नहीं गए, और अगर खुदा ना खासा रिजवान को कुछ हो जाता है तो हमारे पास बैकअप कीपर कोई भी मौजूद नहीं है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत। हम रिजवान की बात कर ही रहे तो हम अपने कैप्टन की भी बात करते हैं। पाकिस्तान दो मैच खेल चुके हैं और दोनों मैच में बाबर आजम की हमें कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। देखिए, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, फॉर्म कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है। बाबर की जिस तरह की परफॉर्मेंसेस पिछले मैचेस में काफ़ी में रही है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और ही इज़ अ गुड प्लेयर, मुझे ऐसा लगता है वो कमबैक स्ट्रॉन्ग करेंगे, अच्छे बैट्समैन हैं, उनको पता है टीम के कैप्टन हैं। अच्छा बुरा फॉर्म चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं प्लेयर के करियर में, लेकिन दो मैचेस जितनी उनकी परफॉर्मेंसेस पिछले मैचेस में रही है मेरे ख्याल से दो मैचेस में हमें उन्हें माफ़ करना चाहिए। आप दोबारा से संडे को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग लाइन पे, बॉलिंग अटैक पे ज़्यादा काम करना चाहिए या अपने बैटिंग अटैक पे ज़्यादा काम करना चाहिए? देखिए, बॉलिंग तो फिलहाल पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, फिर से मैं वही कहूँगा हारिस रऊफ की प्लेयर हो सकते हैं हमारे लिए ऑन एंड ऑफ, अच्छा कर गए तो टीम अच्छा खेल जाएगी, बुरा कर गए जिस तरह लास्ट मैच में मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो ओवर था, जो सेकेंड लास्ट ओवर था वो बड़ा डिसाइसिव था, जिसमें उन्होंने स्कोर लीक कर दिए जिसके बाद पाकिस्तान का मैच में वापस आना बड़ा मुश्किल हो गया। तो हारिस रऊफ मतलब उनकी बॉलिंग में कुछ ऐसा देखा नहीं जा रहा है जिस तरह हमने उनको वर्ल्ड कप में देखा था, उनकी वैरायटीज थी बॉल के अंदर, वो स्लो डिलीवरी कर रहे थे, वो बाउंसर्स कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पिछले मैच में हारिस रऊफ बस स्पीड पे फोकस कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं किसी तरह बॉल फेंक दूं और जितनी तेज़ बॉल फेंक सकता हूं, उनका कोई फोकस अपनी लाइन एंड लेंथ पे नहीं था, जिसका पांड्या ने भरपूर फ़ायदा उठाया और वो मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। तो मेरे ख्याल से बैटिंग लाइनअप तो मेरे ख्याल से वही रहेगा, मुझे बहुत डाउट ही है कि अगर उसमें मैनेजमेंट कोई चेंज करे, क्योंकि वही विनिंग कम्बिनेशन लेके जाएंगे जो हांगकांग के अगेंस्ट लेके गए थे। बट अगर बॉलिंग में देखा जाए तो मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स डेप्थ बॉलिंग में हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में पाकिस्तान के पास थोड़ा सा एज है, जिस तरह लास्ट मैच में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान शायद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है इंडिया को वर्ल्ड कप में मैच हराने के बाद, तो ये चीज़ बड़ा नुकसानदेह साबित होती है टीम के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले मैच में इंडिया भी थोड़ा सा इसी कॉन्फिडेंस के साथ आएगा और पाकिस्तान उनके ओवर कॉन्फिडेंस का पूरा फायदा उठाकर मैच। आपको ये नहीं लगता कि मेरे ख्याल से इस मैच के लिए पाकिस्तान फेवरेट है? आपको ये नहीं लगता कि हारिस रऊफ को जो आखिरी ओवर जो होते हैं वो उनको नहीं देने चाहिए, क्योंकि हम लोग कॉन्टिन्यूसली चीज देखते हैं कि हारिस जो है पाकिस्तान को जीता हुआ मैच हरा देते हैं, क्योंकि वो उनका कोई ना कोई आखिरी या सेकेंड लास्ट ऐसा ओवर होता है जहाँ पे वो हमें बहुत एक्सपेंसिव टीम को पड़ जाता है। अब जैसा ये भी जो रिसेंटली उनका एक लास्ट ओवर था जिसमें हमें 14 रन पड़ गए, वो बहुत एक्सपेंसिव था हमारे लिए। इसी तरह अगर हम पीछे वर्ल्ड कप में चले जाए तो हमें काफ़ी ऐसे मैचेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे हारिस रऊफ बिल्कुल आखिरी ओवर्स में आते हैं और वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ओवर हमें करा जाते हैं कि हम जीता हुआ मैच हार जाते हैं।
बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पाकिस्तान के लिए डेप्थ बॉलिंग जो है वो बड़ा एक क्वेश्चनेबल है। उसके लिए पाकिस्तान के पास डेप्थ बॉलिंग नहीं है। और मैं यहाँ पे सिर्फ हारिस रऊफ की नहीं बल्कि मैं शाहीन शाह अफरीदी को भी अगर इस बॉलिंग अटैक में ऐड कर लिया जाए, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के पास डेप्थ बॉलर्स नहीं है। क्योंकि एक टाइम था जब पाकिस्तान के पास उमर गुल जैसे बॉलर्स थे, उनका काम ही 13th 14th ओवर में आना था और उनका काम ही डेप्थ बॉलिंग करवाना था और वो अपनी लाइन लेंथ पे मेनली फोकस करते थे। उमर गुल जो अभी अफगानिस्तान के बॉलिंग कोच भी है, उन्होंने कभी भी अपनी स्पीड उनकी स्पीड हमेशा नॉर्मल 130 to 135 के बीच में रही है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन लेंथ पे फोकस किया। यॉर्कर लेंथ पे बॉल करते थे, वराइटीज बीच में डालते थे, स्लो डिलीवरीज करते थे, जिसकी वजह से डेप्थ बॉलिंग को खेलना तमाम बॉलर्स के बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाता था। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जैसे ठीक है, हम इस पे बड़ा फख्र भी महसूस करते हैं कि हमारे पास 145 147 केस की बॉलिंग करवाने वाले बॉलर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डेप्थ बॉलिंग में स्पीड से ज़्यादा फोकस, क्योंकि बॉल भी पुरानी हो चुकी होती है उस टाइम, हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो लाइन एंड लेंथ में होना चाहिए। लेकिन हमारे पास आई गेस अभी कोई उमर गुल जैसा हमारे पास डेप्थ बॉलर आया नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान डेप्थ ओवर्स में बहुत ज़्यादा सफर कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारे जो संडे को मैच है उसमें आपको क्या लगता है कि कौन प्रेशर में होगा और कौन अंडर प्रेशर होगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को इस बार बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इसी एक ग्राउंड पे ऑलरेडी एक मैच जीत चुके हैं, उनको सारी स्ट्रैटेजीज पता है, उनको पता है कि टीम कौन सी बॉल वो कराएंगे, तो वो नहीं खेल सकेंगे। और इंडिया के पास एक इस टाइम मेरे ख्याल से विराट से ज़्यादा जो बेहतरीन प्लेयर वो हार्दिक है इस टाइम उनके पास। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है। और जब लास्ट मैच था तो और आपने मुझसे यही सवाल किया था, तो मैंने आपको कहा था कि ये 50-50 है, ग्राउंड में जो अच्छा खेल गया वो मैच जीत जाएगा। और जैसा कि हमने देखा कि बड़ा क्लोज इनकाउंटर हुआ, बहुत एंड पे आके इंडिया वो मैच जीत के लेके गया। लेकिन इस मैच में मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान आर फेवरेट, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होने का फायदा उठा लेगा। चलिए, अब ये तो हम देखेंगे मैच वाले दिन ही। तब तक के लिए हम लेते हैं अलाफिज एंड गुड लक पाकिस्तान, प्लीज मेक इट काउंट अगैन।